वेलकम बैक टू केजीज। आज आपको एक न्यू रेसिपी जो है हम सिखाएंगे, दैट इज़ बनोफी पाए। और इसके बारे में आपको सिखाएंगे। इट्स वेरी इजी टू मेक एंड यू कैन मेक एट होम। आप इसको घर पर बनाएं, ट्राई करें। और हम जो है इसको अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी क्रस्ट की तरफ आते हैं, इसकी क्रस्ट को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यू विल नीड बिस्किट्स टू मेक इट। आप प्लेन बिस्किट यूज़ करें या आप चॉकलेट बिस्किट्स यूज़ करें, मेक श्योर कि उसमें क्रीम ना हो। और आपको बटर यूज़ करना होगा अकॉर्डिंग टू बिस्किट्स आप कितना यूज़ कर रहे हैं। और फिर इसको मैं मेल्ट होने के लिए इतनी देर रख देती हूँ। इसको ग्राइंड करें आप लोग, या तो आप इसको मशीन में ग्राइंड कर लें, आप दूसरा मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है कि आप जिप लॉक में इसको यूज़ करें और जो है इनको डायरेक्ट क्रश करें, और इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इनको क्रश कर रहे हैं। आप ज़िपलॉक के मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है ग्राइंडर में भी यूज़ कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मेथड जो है आपके लिए इजी है, आप कौन सा उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो वंस यू आर डन विथ क्रशिंग, स्टार्ट पुटिंग दिस मेल्टेड बटर। तो आप इसमें, मैं मेल्टेड बटर डाल के जो है इसमें अब मिक्स करना शुरू करूँगी। आप इसको अच्छे से मिक्स करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता और बटर डालें थोड़ा सा। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या सिर्फ घी भी यूज़ कर सकते हैं अगर बटर अवेलेबल नहीं है। और फिर इसमें जो है आप एक डिश में डाल लें जिसमें आप बनाना चाहते हैं। ये देखें, अभी डालना शुरू कर दिया है और ये अब डाल रहे हैं। अब इट्स ऑलमोस्ट डन, सो विल स्प्रेड इट ओवर द डिश एंड लाइक दिस। यूँ आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता आप लोग जो है प्रेस करें ताकि ये स्टिक हो जाए। साथ ही आप जो है ग्लास यूज़ कर सकते हैं इसको शेप करने के लिए, इसकी बाउंड्रीज बनाने के लिए और थोड़ा सा और फर्म करने के लिए। इस तरह ये परफेक्टली जो है रेडी हो जाएगी और थोड़ा सा स्टिक भी हो जाएगी। इसको आप जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ करें। और आई हैव फ्रीज्ड इट फॉर ओवर अ नाइट एंड देन अब इसकी बनाना लेयर बनाने के लिए हम इसको बनानास यूज़ करेंगे। बनानास काटे हैं हमने और इस तरह से हम जो है लेयर्स अब इसकी बनाएंगे। और इसकी ये बनाना लेयर जो है रेडी है, आप देख सकते हैं। और ये मेक श्योर के इनफ फ्रीज्ड हो के ताकि स्टिक ना करे। फिर उसके बाद जो है अब बनाना लेयर तो रेडी हो गई है। अब हम थोड़ी देर इसको फ्रीज़ कर लेंगे ताकि इसकी कस्टर्ड लेयर प्रिपेयर करें। तो अब हम इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख लेते हैं। अब बनाना कस्टर्ड जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि ये बनोफी पाए है तो इसमें हम बनाना यूज़ करते हैं। मेन इंग्रेडिएंट ही इसका बनाना है। तो अब इसमें बीच में आप कोकोनट ऐड कर लें ताकि इसमें थोड़ा सा इन्हांस करें फ्लेवर को। और जब तक ये बनता है आप लोग जो है इसको मिक्स करते रहें। मेक श्योर कि ना ही बहुत थिक हो और ना ही ये बहुत जो है वो थिन हो, एक मॉडरेट टाइप से आप टाइप का आप बना लें। जब ये बन जाए तो थोड़ी देर इसको आप कूल होने दें ताकि इसमें डालें आप। और अब आप इसमें डालना शुरू करें। ये देखें, इसको डाल रहे हैं, बहुत ना गर्म हो और ना ही बहुत ठंडा हो जाए। इसको बस आप डालना शुरू करें इसके ऊपर और इसको स्प्रेड करें इसके ऊपर, बनानास के ऊपर। ये देखिए, स्प्रेड हो गया है ऑलमोस्ट। अब थोड़ा सा इसमें इन ऊपर जो टॉपिंग करेंगे इसके ऊपर नट्स डालेंगे और थोड़ा सा कोकोनट्स डालेंगे, क्योंकि नट हम इसलिए डाल रहे हैं थोड़ा सा इसमें नटी फ्लेवर ऐड हो जाएगा। और कोकोनट की शेविंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास अवेलेबल क्या है। थोड़ी देर के लिए इसको फिर से फ्रीज़ करेंगे जब तक के लिए हम क्रीम को रेडी करेंगे। इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये रेडी होती है और अच्छे से इसको करेंगे ताकि बिफोर यूज़ इट शुड बी प्रिपेयर्ड। अब इसको थोड़ा सा पाई के ऊपर डालना शुरू करेंगे और ये डल चुकी है ऑलमोस्ट। दोबारा से कोकोनट की लेयर डालेंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल करेंगे एंड दैट्स इट। अब थोड़ा सा बस फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं। इसके ऊपर बनानास की जो है हम एक लेयर फिर से लगाएंगे। ये देखें, बनानास लगा रहे हैं हम लोग और इट्स कंटिन्यूइंग। बस ये होने वाला है ऑलमोस्ट, इट्स ऑलमोस्ट रेडी एंड डन। फ्यू बनानास आर लेफ्ट। आपको शुगर से रिलेटेड बात बताती चलूँ, आप कस्टर्ड में यूज़ करेंगे शुगर या आप जो है क्रस्ट में यूज़ करें। आई प्रेफर टू यूज़ शुगर इन कस्टर्ड, लेकिन दोनों में आप यूज़ ना करें। अगर आप दोनों में यूज़ करें तो फिर दोनों में आप थोड़ी अमाउंट में यूज़ करें। अगर आप एक चीज़ में यूज़ करें तो फिर दूसरी में आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू ऐड द चॉकलेट सिरप एंड इट्स डन। आप चॉकलेट सिरप डालें इसके ऊपर और इसको इन्जॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।